सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्कर्वा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा ओ शांति 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 वैदिक जीवन पद्धति में हम प्रणव के जो नाम है प्रणव में जो हमने पढ़े थे विराट अग्नि और विश्व इनका नाम क्यों ऐसा है उसके पीछे क्या इसका रहस्य है क्या इसका अर्थ है उसके विषय में चर्चा की थी प्रणव का जो आकार से तीन नाम हो गए इसके बाद उकार उकार से भी तीन नाम बताए गए हैं और जिनमें कहा कि हिरण्य गर्भा उसका नाम हिरण्य गर्भा है प्रणव में जो उकार से आता है वो क्या है हिरण्य गर्भा तो हिरण गर्भा क्यों कहते हैं उसको तो ये बात कही ज्योतिरय हिरण्यम तेजो वही हिरण्यम इतर ऐतरे शतपथ ब्राह्मणे यो हिरण्यानाम सूर्यादि नाम, नाम तेजसाम गर्भ उत्पत्ति निमित्तम अधिकरणम स हिरण्य गर्भा बहुत अच्छा अर्थ है इसको लिख लीजिए ये अः ऐतरे शतपथ ब्राह्मण में ऐसा आया लिख लीजिए यो हिरण्या यो हिरण्या नाम यो हिरण्या नाम सूर्यादि नाम सूर्यादि नाम तेजस तेजस गर्भ उत्पत्ति गर्भ उत्पत्ति निमित्त अधिकरण निमित्त निमित्त निमित्तम अधिकरणम निमित्तम अधिकरण स हिरण्य गर्भा उस परमात्मा को हिरण्य गर्भा क्यों कहते हैं उसके विषय में ये बात कही स हिरण्य गर्भा उच्चारण करेंगे यो हिरण्या सूर्यादीना तेजस गर्भ उत्पत्तिमितकर स हिरण्यगर्भ उस परमात्मा को हिरण्य गर्भा क्यों कहते हैं तो कहा कि वह जो तेज वाले लोग उत्पन्न हो करके जिसके आधार पर रहते हैं जिसके आधार से वो टीके रहते हैं अथवा जो सूर्य आदि तेज स्वरूप वाले पदार्थों का गर्भ है गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है इसके विषय में महर्षि दयानंद जी यजुर्वेद के एक मंत्र का प्रमाण देते हैं आप रोज उसको बोलते हैं हिरण्य गर्भ आसीत सदा सदाधार पृथ्वी दया मुतेम कस्मै देवाय हविषा उस परमात्मा को क्यों कहते हैं क्योंकि सारे जो भी लोक-लोकांतर हैं जो प्रकाश से युक्त है वो अपने गर्भ में जैसे माँ शिशु को धारण करती है वैसे परमपिता परमेश्वर इन सारे लोक लोकांतरों को धारण करता है। इसलिए उसको हिरण्य गर्भा बोलते हैं ये हिरण्य चमकीली जो वस्तुएं हैं पदार्थ उनको भी बोलते हैं सोने को भी हिरण बोलते हैं आप ने यजुर्वेद के एक मंत्र को पढ़ा था ईशोप निषद में कि हिरणमयन पात्रेण सत्यम मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य के लिए वो ऐसी दृष्टि मुझको मिल जाए कि वो जो मेरे अंदर का दुर्गुण है दुर्व्यसन है उसको अपावृणु उसको हटा दे वो और इन जो चकाचौंध चौंध सूर्य चंद्र इनको आप एकटक देखेंगे तो आपकी थोड़ी देर में बिल्कुल लगती हैं, दिखाई नहीं पड़ता थोड़ी देर जब तक आप उसको संतुलित ना करें तो ये चका में पूरा संसार है इस चका में कैसे रहें, तो उसके लिए उस ईश्वर से प्रार्थना की गई है अस्तु तो यहाँ पर हिरण परमात्मा को क्यों कहते हैं क्योंकि ये सारे जो लोक लोकांतर हैं जो सूर्य चंद्र आदि हैं ये उसके गर्भ में रहते हैं उसके आधार से रहते हैं उन सब ग्रहों का नक्षत्रों का यह निवास स्थान है इसलिए उसको हिरण्य गर्भा कहते हैं और आ, अगली बात क्या कही कि वायु उस परमात्मा का क्या नाम है वायु प्रणव में जो कहा हिरण्य गर्भा वायु वायु क्यों कहते हैं ईश्वर को तो वायु के विषय में भी कहा कि वा गति गंधनो धातु से यहां पर वायु शब्द बनता है वा गति हो गंधनम हिंसनम यो वाति चरा चरण जगत धरती बलि नाम बलिष्ठा सा वायु गंधनम हिंसनम विकन सो गंधनम हिंसनम गंधनम हिंसनम हिंसनम गंधनम हिंसनम आगे कहा कि यो वाती चरा चरण जगद्धरती यो वाति यो वाति चरा चरण जगत चरा अचरण जगत धरती जगत जगत धरती जगत् धरति बलिनाम बलिष्ठः स वायुः बलिनाम बलिष्ठः बलिनाम नाम बलिष्ठ स वायु ईश्वर को वायु क्यों कहते हैं वायु नाम से क्यों जानते हैं जो यहां प्रणव में वायु नाम आया है तो कहा कि जो चर अचर वायु शब्द से एक बार उसको उच्चारण भी कर लीजिए आप गंधनम हिंसनम यो वाति चरा चरण जगत धरती बलि नाम बलिष्ठ सवायु कह रहे हैं कि जो चर अचर जगत का धारण करता है जीवन और प्रलय करता है सब बलवानों से जो बलवान है इससे उस ईश्वर का नाम वायु है जो सबसे वायु की बड़ी अपार महिमा है यदि शरीर में वायु ना हो तो हमारा शरीर चल नहीं सकता है चाहे अपान हो चाहे व्यान हो ये सारे शरीर में रक्त संचार हो रहा है तो प्राण वायु के कारण ही हो रहा है ऑक्सीजन ना हो तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो सकता है यदि वायु ना हो तो हमारा भोजन इधर से उधर जा नहीं सकता है इस संसार में भी हम देखते हैं कि वायु का कितना प्रयोग है बिना वायु के प्राणी रह नहीं सकते अतः ये जो है बलवानों में भी बलवान है सबसे ज्यादा बलिष्ठ है इसलिए परमात्मा को कहा सबसे ज्यादा वो बलिष्ठ है उससे ज्यादा बलिष्ट कोई है नहीं वो इस सारी क्रियाओं को कराता है संसार में जो कुछ भी हम चर अचर में देखते हैं उस ईश्वर की ही व्यवस्था उसकी ही सत्ता के कारण ही संपन्न हो रहा है वह बलवानों से भी बलवान है इस जगत का धारण करने वाला है जीवन और प्रलय करने वाला है जीवन दाता है और प्रलय भी वही कराता है इसलिए उस परमेश्वर को क्या कहते हैं वायु कहते हैं हिरण गर्भा हो गया और वायु हो गया आगे इसी को तेजस नाम से पुकारते हैं जो उकार के भी नाम हम गिना रहे हैं उकार में तेजस तो तिज निशाने धातु से तेजस शब्द बनता है तिज निशाने इस धातु से तेजा शब्द तद्धित करके बनता है इसका अर्थ ये होता है कि जो आप स्वयं ही प्रकाशित हो जो स्वयं सूर्य आदि तेजस्वी लोगों का प्रकाश करने वाला है इससे ईश्वर का नाम तेजस है कई बच्चों का भी नाम तेजस रख देते हैं अच्छी बात है तेजस तेलम भी बना है तो तेजस्वी कर देता है तो तेजस अर्थात जो स्वयं प्रकाशित है और सारे लोक लोकांतरों को भी प्रकाशित करता है, इसलिए उस ईश्वर का नाम क्या है तेजस है इसी प्रकार से ईश्वर ईश्वर शब्द अब आकार हो गया उकार हो गया मकार से तीन नाम और हैं, तो मकार से तीन नाम में जो है ईश ऐश्वर्य से ईश ऐश्वर्य बहुत बार आपने सुना है ईश्वर शब्द है ईश ऐश्वर्य धातु से बना है और जो है ईष्टे सर्वैश्वर्य वर्तते सा ईश्वर ईश्वर के विषय में कहा कि जो सबसे ज्यादा जो है जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है उसको ईश्वर क्यों कहते हैं क्योंकि वह सत्य, विचारशील, जान और अनंत ईश्वर है। वो या अज्ञान युक्त नहीं है ज्ञान का आधान है सत्य है और वह सबको प्रकाशित करने वाला है इसलिए उसको तेजस कहते हैं सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली है उससे ज्यादा ऐश्वर्यशाली कोई हो नहीं सकता कितने अरब पति खरबपति बन जाए सारे पृथ्वी में भी राज करने लग जाए मंगल तक का राज कर ले चंद्रमा तक का राज कर ले तो भी उस परमात्मा के जैसा किसी के पास ऐश्वर्य नहीं हो सकता है इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली है वो अगली बात आगे कहा दो अवखंडने इससे आदित्य शब्द बनता है आदित्य भी है उस परमात्मा का नाम तो आदित्य इस अदिति और इससे तद्धित करने पर आदित्य शब्द सिद्ध होता है न विद्यते विनाशो अयम अदिति ही जिसका कभी विनाश नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं अदिति अदिति रेव आदित्य जिसका विनाश कभी ना हो उसी परमेश्वर को उसी ईश्वर की जो है आदित्य संज्ञा होती है उसी को आदित्य कहते हैं तो आदित्य भी स्पष्ट हो गया जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है और अगली बात क्या कही जवबोधने जबोधने से परमात्मा का नाम प्राज्य है ना तो ज्याोधने प्लस उपसर्ग पूर्वक प्रा उपसर्ग पूर्वक जो है प्रज और इससे तद्धित करने से प्राज्य शब्द सिद्ध होता है यह प्रकृष्टतया चरा जगतो जानाति स प्रज्ञ प्रज एव प्राज्य कह रहे हैं कि जो प्रकृष्टतया चर आचर जगत का व्यवहार जानता है चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो जड़ हो या चेतन हो जो सबसे ज्यादा उसकी बारीकी को जानता है सबसे ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान से जो परिपूर्ण है उसको क्या कहते हैं प्राज्ञ। वह परमात्मा इसलिए प्राज्ञ नाम से जाना जाता है उसकी प्राज्ञ संज्ञा है इत्यादि जो निर्भ्रांत होकर के ज्ञान युक्त और जो है बिना किसी भ्रांति के उसकी निर्भ्रांत जानयुक्त सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है हम किसी भी पदार्थ को किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्थान को पूर्णतया जान नहीं पाते हैं और ना जान सकते हैं कोई कितना भी किसी विषय का विशेषज्ञ हो जाए लेकिन वो उससे सीखता रहता है उसका अनुभव काम आता है थोड़ा थोड़ा वो तो स्वाभाविक है परंतु हम किसी भी विषय में आ, किसी को भोजन की व्यवस्था दी भोजनशाला में वो नए नए जो है व्यंजनों को बनाता रहे तो भी कभी ऐसा कह सकता है क्या कि मैंने सारे व्यंजन बना लिए नहीं कह सकता है क्यों वो नया, नया 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 कुछ ना कुछ चलता रहता है कोई शरीर विज्ञान को ज्यादा जानता है कोई बड़ा डॉक्टर है और वह चिकित्सक वो, चिकित वो डॉक्टर यदि कहे कि मैं मैं तो पूरे शरीर के सब चीजों को जानता हूं सब बीमारियों को जानता हूं तो ये संभव नहीं है क्योंकि उस वह अल्पज्ञ है उसका सामर्थ्य कम है लेकिन परमात्मा प्राज्ञ है वो सब कुछ जानने वाला है वो चाहे चेतन वस्तु हो या जो है जड़ वस्तु हो चेतन वस्तु का तात्पर्य जो भी जीव जो भी पशु पक्षी मनुष्य आदि जो भी है उन सब को वो अच्छी प्रकार से जानने वाला है किसमें कितना दम है वो सब जानता है और इसलिए उसको प्राज्ञ कहते हैं इससे ईश्वर का नाम प्राज्य है इत्यादि नामार्थ मकार से संग्रहित होते हैं जैसे एक एक मात्रा में तीन तीन अर्थ यहाँ व्याख्यात किए हैं वैसे अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं और भी नाम हो सकते हैं परंतु इन नौ नामों में उस परमात्मा का विराट स्वरूप विराट उसका सामर्थ्य संग्रहित किया गया है और ऋषियों ने जैसा जाना वैसा कहा है लेकिन इससे भी ज्यादा हम अपने जीवन को और बढ़ा करके कर सकते हैं परमात्मा का गुणगान करें उसका चिंतन करें उसका ध्यान करें तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है और रोम रोम से उसका चिंतन करें तेरे तन में ओम मन में ओम रोम रोम में ओम रे ओम सुमिर ले ध्यान लगा के छोड़ जगत के काम रे बोलो ओम बोलो ओम, बोलो ओम बोलो ओम माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए दिन तो बीता दौड़ धूप में ढल जाए ना सामरे। ओम सुमिर ले ध्यान लगा के छोड़ जगत के कामरे छोड़ जगत के काम जगत का ऐसा छोड़ नहीं सकते लेकिन आसक्ति नहीं रखना आगे कह रहे हैं तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा काम क्रोध ने तुझको ऐसा घेरा भूल गया तू ओम जपन को भूल गया तू ओम जपन को भूला पूजा कामरे ओम सुमिर ले ध्यान लगा के छोड़ जगत के कामरे ये जब जगत में आते हैं तो हमारे अंदर के जो भाव जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं वो जग जाते हैं जब हम दुख भोगते हैं तब तो उसकी याद आती है कि इस बार का जीवन हमारा अच्छा बन जाए लेकिन आसक्ति जो है वो आसक्ति है वो जा नहीं सकती है ऐसा लोग कह देते हैं लेकिन जाएगी भी लेकिन कैसे जाएगी ओम का चिंतन करने से ओम का सुमिरन करने से ओम का रटन करने से ओम का जब हम भावपूर्वक अर्थपूर्वक चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से एक योगी की एक सदुपयोगी सदउपयोगी जीवन जीने वाले व्यक्ति की जो भी सदिच्छाएं हैं जो सदकामनाएं हैं वो जरूर पूरी होती हैं इसमें कोई संशय नहीं है लेकिन आलस्य प्रमाद में हमने उसको जान लिया समझ लिया कोई संशय नहीं है भाई जब कोई संशय नहीं है तो फिर उलझन किस बात की लोग कह देते जाने के जान बेजाने के राम भाई जब तक नहीं जाना तब तक तो कोई बात नहीं थी लेकिन जब जान लिया है तो वैसा जीने का भी प्रयास करना चाहिए जब तक हम वैसा जीवन नहीं बनाएंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है कितना भी हम सर खपाएंगे कितना ही हमारे जीवन में वेद उपनिषद दर्शन अनेक शास्त्रों का हमने स्वाध्याय किया लेकिन उन स्वाध्यायों से अपने जीवन का निर्माण हमने नहीं किया तो निर्वाण भी हमारा ठीक नहीं होगा जीवन निर्माण जिसका अच्छा है वही अच्छे निर्वाण को प्राप्त होता है अर्थात जिसका जीना अच्छा है उसका जाना भी अच्छा होगा अतः ओम कृतोस्मर की जो बात कही है ओम कृतस्मर क्लब कृतस्मर वो हमारे जीवन में घटित होना चाहिए तभी इस जीवन का और इस जगत का सदुपयोग हम कर सकते हैं नहीं तो बहुत ही हानि हो जाती है और हम बस केवल आ, अपने आप को इस आ, संसार के भोगों में लगाते रहते हैं एक एक पल पल जो व्यक्ति जीता है साधक के लिए एक एक पल पल बहुत ही महत्वपूर्ण है आज हम जी रहे हैं आज सुबह हुई तो हमारे लिए वो एक सुबह नहीं वो एक जीवन है ऐसा एक क्षण हमारा जो है दुरुपयोग उसका ना हो कल ही एक व्यक्ति कहने लगे कि स्वामी जी मेरा आज जन्मदिन है और जो है मुझको शुभकामनाएं या जो भी उनका भाव होता है ऐसे लोग सोचते हैं कि आज जन्मदिन है तो आज एंजॉय करो आज खूब खुशी मनाओ लेकिन मैंने उनको कहा कि तुम्हारा जन्म दिवस तो सच्चा वही है कि कि तुम यदि अपने जीवन को ये समझ पाओ, आत्म पाओ आत्मचिंतन कर आज मैंने 20 वर्ष पूरे किए आज मैंने 25 वर्ष पूरे किए आज मैंने 50 वर्ष पूरे किए तो क्या 50 वर्ष में मैंने कोई उपलब्धि की कि नहीं की जिसके भजन के लिए यह जो काया है ये जो जीवन है मिला है क्या कुछ किया कि नहीं किया केवल जन्मदिन मनाना या केवल अनेक सुखों की कामना में अपने आप को लगाना क्या यही बुद्धिमत्ता है नहीं है हम जिस उद्देश्य से इस शरीर में आए हैं इस शरीर को परमात्मा ने हमको दिया है उसके लिए हम थोड़ा सा समय जरूर निकालें चिंतन करें कि हमारा जीवन क्यों है और हम इस शरीर को पा करके क्या कर रहे हैं केवल खाना पीना और करके चले जाना यही जीवन है ऐसा तो पशु भी करते हैं पक्षी भी करते हैं चिड़िया भी करती है जो भी है लेकिन हमारा उद्देश्य बहुत पवित्र होना चाहिए हमारा एक एक पल पल जो है ऐसा बीते कि जिससे हमारा जीवन दिव्यता को भव्यता को प्राप्त हो क्योंकि यह बड़ा कठिन मार्ग है इस मार्ग में चलना कोई सरल काम नहीं है क्षुरास धारा छुरे के धार के जो है ऊपर चलने के समान है साधना का पथ कोई आ, साधक जो बिरला साधक वही इसको पाता है और सारे संसार को छोड़ करके जब इस जीवन को हमने पाया है इस जीवन को यहाँ अपनाया है आचार्य श्री और ऐसे दिव्य वातावरण में आए हैं, तो इसके लिए हमको चिंतन करना चाहिए और हम दूसरों के लिए उपयोगी बन पाए जब हम योगी बनेंगे तभी तो उपयोगी बनेंगे सहयोगी बनेंगे दूसरे के लिए इसलिए अपने जीवन का हम सदुपयोग करें और उस परमात्मा के द्वारा दिए गए इस जीवन का अनादर ना करें अनादर का तात्पर्य क्या है भाई इसको ठीक से ना जीना लापरवाही में जीना जिसके लिए मिला उस काम को ना करना तो ये उसका अनादर है भाई किसी अफसर को या किसी अधिकारी को किसी काम में लगा दिया भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी और वो उसकी ड्यूटी को ठीक ठीक नहीं निभा रहा है तो वर्दी या जिस भी जो है उत्तरदायित्व को दिया गया उसका अपमान है कि नहीं है तो ये मानव जीवन सबसे बड़ा है सबसे अनमोल है और इस अनमोल जीवन को पा करके अनमोल कार्य करें अनमोल उपहार मिला है तो इसका अनादर ना हो हमसे आगे की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे अभी यहीं पर विराम करते हैं ओ... शान्तिः शान्तिः शान्तिः